सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल हो रखा है कि सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम जनवरी और फरवरी में होंगे। काफ़ी व्हाट्सएप पे वायरल हो रखा है, इंस्टाग्राम पे और भी कई सारे सोशल मीडिया पे ये मैसेज वायरल हो रहा है और कई सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियोज़ देखी कि बोर्ड एग्जाम जनवरी से स्टार्ट हो गई, इस टाइप की वीडियोस बना रखी है। तो काफ़ी सारे बच्चों को टेंशन हो रखी है, काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को कॉल भी किया है, इस क्वेश्चन पूछा, इस डाउट के रिगार्डिंग काफ़ी कॉल्स आए। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक न्यूज़ हेडलाइन है, इसके अंदर बात कुछ और है, लेकिन कुछ लोगों ने इस न्यूज़ हेडलाइन का यूज़ करके बच्चों को गलत न्यूज़ दे दी, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है। गाइस, ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ निकलेगी, चाहे वो बोर्ड एग्जाम को लेकर हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की डेटशीट को लेकर हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को लेकर हो। तो गाइस, आपको थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, इधर काफ़ी फेक न्यूज़ निकलेगी तो उनको इग्नोर करना है। खासकर व्हाट्सएप पे जो भी न्यूज़ आती है वो हमेशा मेरे को लगता है फेक ही होती है। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी व्हाट्सएप से मिलती है, लेकिन कई बार मैक्सिमम न्यूज़ ऐसी होती है जो फेक होती है। तो गाइस देखो, मैं बताता हूँ कि ये न्यूज़ क्या है। गाइस, एक्चुअली एक वीक पहले सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उनकी डेट शीट रिलीज हुई थी। तो वो होने थे जनवरी और फरवरी में, जो कि अब वापस कैंसिल कर दिए बोर्ड ने। तो उस टाइम एक न्यूज़ चैनल ने ये हेडलाइन डाली थी कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम जनवरी और फरवरी में होंगे। वो आप अंदर अगर उस न्यूज़ को रीड करोगे तो उसके अंदर लिखा होता कि प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी और फरवरी में होंगे। ये एक्चुअल न्यूज़ थी जिसका गलत इस्तेमाल करके, मतलब इस हेडलाइन का गलत इस्तेमाल करके बच्चों को टेंशन में डाल दिया। कई सारे मैंने देखा है, कई सारे व्हाट्सएप पे मैंने देखिए मैसेज इस टाइप के, काफ़ी बच्चों के मैसेज मेरे को फॉरवर्ड भी हुए। तो गाइस, मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों ही जनवरी और फरवरी में नहीं होने वाले, ये सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा। सीबीएसई ने जो प्रैक्टिकल एग्जाम की पहले डेट शीट जारी करी थी उसको कैंसिल कर दिया है। अब सीबीएसई एक नई प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट जारी करेगी, फिर बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी करेगी। इसलिए आपको अभी और वेट करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम की डेट शीट को लेकर, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट थी वो कैंसिल हो चुकी है। और गाइस, ये बात खुद सीबीएसई के जो चेयरपर्सन है अनुराग त्रिपाठी जी, उन्होंने बात बोली है, जो एग्जाम कंट्रोलर है और जो एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने भी बात कंफर्म कर दी है। तो गाइस, अगर बोर्ड एग्जाम की डेट शीट को लेकर या फिर प्रैक्टिकल्स को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट आएगा, सीबीएसई के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, टेंशन होती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीन पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर देख के रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो, जिससे उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता लगे, वो भी अपने डाउट्स वगैरह मेरे से पूछ सके। गाइस, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट तक वो नॉलेज पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी जरूर शेयर करना, कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में